वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू हमाद अज़हर कहते हैं, हम छापों के खिलाफ हैं, जो टैक्स अदा करते हैं उनकी सहूलत के लिए कानून साजी की, जो लोग टैक्स नहीं देते रियासत एक्शन लेगी। हमाद अज़हर की लाहौर चैम्बर के दौरा पर गुफ्तगू, मजीद बात करेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। जी कादिर मदनी जी, लाहौर के कारोबारी मराकज़ पर FBR के छापों और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अलमास हैदर समेत 90 के करीब जो हैं वो ताजर रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर ने जो है वो यकीन दहानी कराई कारोबारी बरदरी को कि FBR के छापे जो हैं वो आइंदा जो है वो कारोबारी मराकज़ पर नहीं मारे जाएंगे। हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर फहीमुररहमान सैगल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो हमाद अज़हर साहब ने आज जो बात की है, इन्होंने बेसिकली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौक़िफ़ की तायद की है। जो हमारी रिजर्वेशन थी, ये जो छापे मार्केट्स में मारे जा रहे हैं, इससे बजाय टैक्स फ्रॉड होने के जो हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये था, इससे टैक्स नेट कम होगा, लोग जो टैक्स पेयर के साथ होते हुए सलूक देखेंगे तो वो अवॉइड करेंगे टैक्स देने से, सो टैक्स नेट में लोग नहीं आएंगे। तो इसके लिए जो टैक्स पेयर है ना, इनको मिसाल बनाना चाहिए। आज की बैठक में यही फैसला किया गया है कि 31 मार्च तक जो है वो जो छापों का सिलसिला है वो बंद किया जाएगा, इसके बाद जो है वो नोटिसेज जारी किए जाएंगे ताकि कम से कम जो है वो खौफ व हराज की फ़िज़ा बनाई जा सके और कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सकें। शुक्रिया।